पाठ में आगे बढ़ते हैं। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया था। सुनीता के अंतरिक्ष यात्री बनने के पीछे कल्पना चावला का हाथ था, वह उन्हें अपना आदर्श मानती थी। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्री पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों की राहत में सांस ली। सुनीता विलियम्स है, वह सकुशल अंतरिक्ष से वापस आ गई, इसलिए जो लोग इकट्ठा हुए थे सुनीता विलियम्स को देखने के लिए उन्होंने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। उन्होंने कहा भी था कि नासा के जो अंतरिक्ष रिसर्च जो प्रोग्राम था उसमें कल्पना चावला के साथ काम करना उसका सबसे अच्छा समय था, बेहद उसका वो सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोना था। हम दोनों की पसंद अलग अलग थी, सुनीता और कल्पना की, पर दोनों ही भारतीय थी और इसी कारण वह दोनों एक साथ हमेशा रहती थी। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था, कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। दोनों को भारतीय संगीत बहुत पसंद था और सुनीता कहती है कि मुझे कल्पना से बहुत कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया और साल 1998 के साल में उन्हें नासा ने उसे चयनित किया गया। अब की बात है वह सुनीता विलियम्स की बारी है अंतरिक्ष में चिछाने की। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया और उसी साल उन्होंने अंतरिक्ष यात्री का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो भी शुरू कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। अंतरिक्ष जो स्पेस स्टेशन होता है वहाँ पर जिंदगी आसान नहीं है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है पर वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, सब कुछ है वह हवा में उगता रहता है, इसलिए वहाँ का जीवन है वह आसान नहीं है, मुश्किलों से भरा है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया, मनोवैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह सब रिसर्च करके सुनीता विलियम्स से वह अंतरिक्ष में जाने को तैयार हुई। उनके गोताखोरी के अनुभव में होने वाली भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी जो समुद्र के नीचे पानी का बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है, यानी कि पानी है वो बहुत ही भारी हो जाता है, समुद्र के नीचे तैरना आसान नहीं होता। और सुनीता विलियम्स को तैराकी बहुत पसंद थी तो वह उसकी गोताखोरी के शौक ने अंतरिक्ष में उनकी बहुत ही ज्यादा सहायता की। अंतरिक्ष के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलियों के बारे में जाना वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। अंतरिक्ष के बारे में सब कुछ जानकर सुनीता विलियम्स है वह अब खतरों से खेलने को तैयार थी और वह अंतरिक्ष में जाने को अब तैयार थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे और अंतरिक्ष में जाने की तैयारी करने के लिए सुनीता है वह 9 दिन तक पानी के नीचे भी रही और यह सभी उसकी ट्रेनिंग पूरी होने में तकरीबन 8 साल का समय लगा। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर के फ्लाइंग इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी थी और 17 दिसंबर को स्पेस यान है वह उठकर अंतरिक्ष में जाने वाला था। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की
गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। जो वहां पर जो अंतरिक्ष स्टेशन था उसकी गति जो पृथ्वी के चक्कर काटता था उसकी गति एक घंटे में वह है 27,744 किलोमीटर का अंतर है वह पूरा करता था। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था और जो वह स्पेस स्टेशन था वह एक दिन में पृथ्वी के 15.7 चक्कर है वह काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस तरह अगर देखा जाए तो सुनीता ने पृथ्वी के कितने चक्कर लगाए तो कि 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष के प्रवास में सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी के लगाए थे। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। 29 घंटे है लगातार स्पेस में चलकर अंतरिक्ष में चलकर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है और मैराथन जीतने वाली वह प्रथम अंतरिक्ष यात्री भी बन चुकी थी। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सेनोन ल्यूज का रिकॉर्ड तोड़ा। उसके पहले का जो अंतरिक्ष यात्री था सेनोन ल्यूज उसका रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया था। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वह व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। वह 6 महीने का उसका अनुभव था कि अंतरिक्ष में व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए जा सके। जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि जो सुनीता विलियम्स है वह अंतरिक्ष में भी यह सभी कसरतें करती थी जिससे उसका शरीर तरोताजा रह सके और उसका शरीर लचीला बना रहे। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से उसका खत्म होना और मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं, यह सभी समस्या अंतरिक्ष में होती है क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं होता, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इसलिए शरीर की हड्डियां है वह कमजोर पड़ जाती है और मांसपेशियां है वो भी कमजोर हो जाती है। इसलिए व्यायाम करके वहां पर हमें स्वस्थ रहना ही पड़ता है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। 6 महीने वह स्पेस में रहे इसके दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। यह सब काम भी उन्होंने स्पेस में रहते हुए भी किए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखती है और पृथ्वी को देखने का यहाँ पर हमें दूसरा नजरिया भी मिलता है। अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए, अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। अंतरिक्ष है वह बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर खामखा ही दूसरे विवादों में और झगड़ों में पड़े रहते हैं। यहाँ पर आने के बाद मिलजुल कर काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो आगे का वीडियो हम अगली वीडियो में देखते हैं, आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं।